टारगेट किलर ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात कर दिए। मुलजिम ने पुलिस पर हमलों का एतराफ करते हुए साथ ही टारगेट किलर्स के नाम भी उगल दिए। वक्त न्यूज ने मुलजिम की तफ्तीशी रिपोर्ट हासिल कर ली है। जिला बस्ती पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले MQM के टारगेट किलर अमजद आलम ने तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात किए हैं। वक्त न्यूज ने तफ्तीशी रिपोर्ट हासिल की है, जिसमें मुलजिम ने पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का भी एतराफ किया है। मुलजिम ने नवंबर 2013 में साथियों से मिलकर नाजमाबाद नंबर 3 में पुलिस एहलकारों पर हमला किया, जिसमें 2 एहलकार शहीद और 1 ऑफिसर जख्मी हुआ था। मुलजिम ने मार्च 2013 में नाजमाबाद नाजिया होटल के करीब पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 1 पुलिस ऑफिसर शहीद और 1 एहलकार जख्मी हुआ। मुलजिम के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उबैद, शहजाद बलोच, साजिद, हमाद और मोइन बतौर साथी शरीक होते रहे। जराय का कहना है कि मुलजिम को गुज़िश्ता वर्ष भी पापुशंगर पुलिस ने 2 क्लाशनकोफों और हजारों गोलियों समेत गिरफ्तार किया था। ताहम मुलजिम से महज 1 SMG राइफल की बरामदगी जाहिर की गई और हजारों गोलियां और दूसरी राइफल गायब कर दी गयी। पुलिस की टीम मुलजिम की निशानदेही पर इसके